अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ फॉर यू के सियासी स्टडी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ जाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह चौधरी सियासत। जैसा कि पाकिस्तान की सियासत भी गर्म है, मुल्क में बारिश के बाद फिर गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, महंगाई का तूफान आ चुका है। आज फिर सुपर टैक्स लगा दिया गया है, आवाम पर महंगाई का मजीद बर्डन डाल दिया गया। आप कहते थे पहले एक बारी फेयर शेयर, अब देखते हैं कि किसके नारे बजेंगे, कौन ये महंगाई का जिम्मेदार होगा, क्योंकि 11 जमात हैं। तो आज चौधरी सियासत से पूछते हैं कि महंगाई का तूफान आया हुआ है, आप कोई बात ही नहीं करते, हुकूमत के अच्छे इत्तेहादी हैं तो क्या आपको चुप लग गई है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वैसे तो आपको चुप लगी रहती है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस महंगाई पर तो बोलें, आवाम ने आपको मुंतखब किया था। आवाम के लिए बोले ना, आवाम के हक के लिए बोले, आवाम कहाँ जाए, किससे बात करे? मजाक ना करें आवाम के साथ। आप जिस दिन से हैं, जिस हुकूमत में, आवाम के साथ मजाक ही कर रहे हैं, लेकिन अब आवाम का जो है ना मजाक खत्म हो जाना चाहिए। आपको आवाम को हल देना चाहिए इस बात का। दे देंगे जी, अब देखिए ना, 2000 रुपया दे दो रहे हैं, ज्यादा क्या दें? दे ना। मतलब आवाम की बेबसी का आप जितना तमाशा बना सकते हैं वही बनाने आए हैं आप लोग हुकूमत में। पता नहीं खा के आ गए, सख्त बोले नहीं, आप भी हल देना। आप कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? आवाम कहाँ जाए? 2000 रुपया हम दे रहे हैं। 2000 रुपये में क्या आ जाएगा? 2000 रुपये में तो शायद 2000 रुपये में 1 लीटर आपका ऑयल आ जाएगा, 1 लीटर। आपने खुद ऐनक 4-5 हजार रुपए की लगाई हुई है और आवाम को कह रहे हैं 2000 रुपए में कुछ कर ले वो। यकीन मारे 400 भी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना। मैंने 400 भी पल्ले से नहीं दिया है, ये भी आवाम ने दिए। जी और दिए, बल्कि दाढ़ी पकड़ी है, आपने तो हुकूमत के साथ मिलकर कोई सियासी रिलीफ ले लिया, आपको तो हुकूमती इत्तेहादियों में शुमार होंगे, लेकिन आवाम के लिए आपने कहाँ सोचा था कि इस हुकूमत के साथ मैं आवाम को क्या रिलीफ दूंगा? मैं क्या रिलीफ दिया? सरकारी मरात आप ले रहे हैं, पेट्रोल आपको मिल रहा है, सरकारी प्रोटोकॉल आपको मिलता है, उनको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। मैं तो कर लूंगा, मैंने क्या करना है? जरदारी से आपकी दोस्ती होगी और आपको क्या चाहिए सरकार से? जरदारी खुद ही कहता है कि एक जरदारी सबसे यारी, तो मैं सब में हम भी आते हैं, तो जरदारी तो हिस्सा भी मिला यारी का कि नहीं मिला? नहीं, तो दो मुझे वजीर बना रहे, हिस्सा मिल गया ना, बस रिलीफ रिलीफ है, रिलीफ है। अच्छा वैसे तो आप लोग धांधली में मास्टर हैं, तो क्या मतलब है पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, धांधली हो रही है? नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन होंगे, शबाब इलेक्शन होंगे, और जो जीतेगा वही वही अपनी हुकूमत बनाएगा। नहीं, आपको लगता है आवाम इस टाइम आप लोगों से खुश है, इतनी महंगाई आप लोगों ने कर दी है, अगर अब आप लोग जीत जाते हैं तो समझ आ जाएगी ना धांधली हुई है? आप न्यूट्रल न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया न्यूट्रल रहने का। पीटीआई की कारकुन ना बने, पीटीआई की कारकुन नहीं बन रही, मैं सही बात करी, न्यूट्रल नहीं होता कोई। अंकल का काम होता है सवाल करना, पार्टी नहीं बनना होता, पार्टी नहीं बन रहा। आप ये बताएं, इमरान खान ने आपको मेरे खिलाफ तैयार करके भेजा है? नहीं, इमरान खान ने नहीं मुझे भेजा, मैं सही बात कर रही हूँ की आप ये बताएं, अगर इतनी महंगाई के बावजूद आप लोग पंजाब में जीत जाते हैं तो धांधली तो पक्की है वहाँ पे, धांधली हुई है। कोई बात नहीं, अगर इतनी महंगाई के बावजूद हम जीत जाते हैं तो मतलब आवाम को हम पे इत्माद है, और महंगाई नहीं जाते कर रहे, महंगाई की गिरमाने खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी देखें लहरा बहरा हो जाएगी, अब अपने गंदम की फसल बड़ी शानदार होगी, चीनी गन्ने की पैदावार बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। अच्छा, महंगाई खत्म हो जाएगी तो हमें पता ही लगना। और IMF ने आपको क्योंकि कर्जा दिया नहीं दिया, कोई घास पानी डाला है कि नहीं डाला? नहीं, उन्होंने घास भी डाला है, पानी भी डाला है, अब तो उनकी जितनी बातें अब मैंने मान ली है, तो यकीन माने अब तो लगता है कि मुल्क IMF का है। अच्छा, मुल्क IMF का, तो मिल जाएगा आवाम को, रिलीफ मिलेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ 2000 रुपया तेन चाहिए, मैं तेन भी ला देना है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप आवाम के रिलीफ की बात करें, मजाक ना करें। मैंने मजाक नहीं करा, अपना शासी कार्ड नंबर 786 में SMS करें। वो भी 1600 रुपए दे रहे हैं, जिन लोगों को मिल रहे हैं 400 रुपए वो देने वाले काट रहे हैं। हाँ जी, ये भी आप लोगों का फ्रॉड है यहाँ भी। नहीं, हमारा नहीं है, देने वाले का फ्रॉड होगा, उनका बंदोबस्त कर दे। नहीं नहीं, 1600 रुपए मेरे। अच्छा, आप लोग आप कहते हैं मैं काफ लीग का हुकूमत के इत्तेहादी हूं और परवेज इलाही कहते हैं मैंने PTI को सपोर्ट करना, तो क्या खिचड़ी है ये, क्या चूं-चूं का मुरब्बा आप लोगों ने बनाया हुआ है काफ लीग को? नहीं नहीं, बात ये है कि खिचड़ी तो मैं शौक से खाता हूं,
मुरब्बा मुझे खाने से डॉक्टर ने मना किया। उम्र का तकाजा ना, खिचड़ी तो इसलिए शौक से खाई नहीं जाती ना बिरयानी आपसे। परहेजी खाना जो है वो खिचड़ी में आ जाता है। मुरब्बा मैं खाता नहीं, इस वजह से चूचू मैं करता नहीं। अच्छा, चूचू ही तो कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ये चूचू वाला काम परवेज ही कर रहा है। अच्छा, असल काफलिंग मेरी है, वो काफलिंग जो है घुमत की दादी है। अपने मुरब्बा बनाना है, खिचड़ी बनानी है, चावल बनाने, दाल बनानी, तो मर्जी बना। अच्छा, अच्छा शहबाज शरीफ, तो आप कोई आवाम के लिए नहीं है, लेकिन आपकी अपनी कोई बीच में सेटिंग नहीं हो रही ना कि आप लोगों ने पीटीआई की तरफ जाना है? अगर कल को प्रवेश लाइन आपको राजी कर लिया पीटीआई को सपोर्ट करने का, आप करेंगे? नहीं जी, राजी उनको करना चाहिए, वो राजी मुझे कर ले या मैं उसको राजी कर लूँ, बात होगी। अब रोटी तो हम कटे खाते हैं, सियासत ज्यादा है। अच्छा, आपसे एक सवाल करना है, अगर आपको तीन प्रोग्राम में बुलाया जाए, हामिद मीर आपको बुलाए, नजम सेठी बुलाए और उसके अलावा सलीम साफी बुलाए, तीनों में से किसके प्रोग्राम में जाना पसंद करेंगे, किसके सवालों का जवाब दे सकते हैं आप? मैं सलीम साफी के प्रोग्राम में जाऊंगा। सलीम साफी पसंद है वो आपकी? आपकी बात करता है? नहीं, मेरी बात ना करे, लेकिन सही बात करे। न्यूट्रल है वो आपके ख्याल में सलीम साफी? नहीं, मेरे पास तो है न्यूट्रल। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुक्रिया जी, आपने चौधरी सियासत की गुफ्तगु सुनी कि आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे खिचड़ी खाने में पसंद है, इसी तरह उनकी पार्टी में भी खिचड़ी पक रही है कि अभी तक उनको समझ नहीं आया कि काफ लीग कहाँ पे खड़ी है, हुकूमत के साथ या पीटी के साथ, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के पास इनके पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ 2000 के सिवा, बाकी आवाम का बल्ला ही हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। खिचड़ी ला गया भाई, खिचड़ी ना ले, चोरी छोरी ना ले, खिचड़ी ला गया।